रोहित को याद करते हुए मुझे लगता है कि जो सबसे अहम और सबसे बड़ी चीज हमारे बीच है, जो कि किस भाव में उसे हम पढ़े याद करें ये तय कर पाना मुश्किल है। लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि आप, रोहित ने जिस बात के लिए लिखा था कि मैं बहुत कुछ बनना चाहता था लेकिन एक चिट्ठी ही लिख पाया और वो आखिरी चिट्ठी, मैं उसे आपके बीच में पढ़ना चाहता हूं। गुड मॉर्निंग, आप जब ये पत्र पढ़ रहे होंगे तब मैं नहीं होऊंगा, मुझ पर नाराज मत होना। मैं जानता हूं कि आप में से कई लोगों को मेरी परवाह थी, आप लोग मुझसे प्यार करते थे और आपने मेरा बहुत ख्याल भी रखा। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, मुझे हमेशा से खुद से ही समस्या रही है। मैं अपनी आत्मा और देह के बीच की खाई को बढ़ता हुआ महसूस करता हूं। मैं एक दानव बन गया हूं और मैं अति क्रूर हो चला हूं। मैं तो हमेशा लेखक बनना चाहता था, विज्ञान का लेखक, कार्ल सेगन की तरह, और अंततः मैं सिर्फ यह एक पत्र लिख पा रहा हूं। मैंने विज्ञान, तारों और प्रकृति से प्रेम किया, फिर मैंने लोगों को चाहा, यह जाने बगैर कि लोग जाने कब से प्रकृति से दूर हो चुके हैं। हमारी अनुभूतियां नकली हो गई हैं, हमारे प्रेम में बनावट है, हमारे विश्वास में दुराग्रह है। इस घड़ी मैं आहत नहीं हूं, दुखी भी नहीं, बस अपने से बेखबर। एक इंसान की कीमत, उसकी पहचान एक वोट, एक संख्या, एक वस्तु तक सिमट कर रह गई है। कोई भी क्षेत्र हो, अध्ययन में, राजनीति में, मरने में, जीने में, कभी भी एक व्यक्ति को उसकी बुद्धिमत्ता से नहीं आंका गया। इस तरह का खत मैं पहली दफा लिख रहा हूं। आखिरी खत लिखने का यह मेरा पहला अनुभव। अगर यह कदम सार्थक न हो पाए तो मुझे माफ कीजिएगा। हो सकता है इस दुनिया प्यार, दर्द, जिंदगी और मौत को समझ पाने में मैं गलत था। कोई जल्दी नहीं थी, लेकिन मैं हमेशा जल्दीबाजी में रहता था। एक जिंदगी शुरू करने की हड़बड़ी में था। इसी क्षण में कुछ लोगों के लिए जिंदगी अभिशाप है। मेरा जन्म मेरे लिए एक घातक हादसा है। अपने बचपन के अकेलेपन से मैं कभी उबर नहीं सका। अतीत का एक क्षुद्र बच्चा। इस वक्त मैं आहत नहीं हूं, दुखी नहीं हूं, मैं बस खाली हो गया, अपने लिए भी बेपरवाह। यह दुखद है और इसी वजह से मैं ऐसा कर रहा हूं। लोग मुझे कायर कह सकते हैं और जब मैं चला जाऊंगा तो स्वार्थी या मूर्ख भी समझ सकते हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे क्या कहा जा रहा होगा। मैं मौत के बाद की कहानियों, भूतों और आत्माओं पर विश्वास नहीं करता। अगर किसी बात पर मैं विश्वास करता हूं तो वह यह है कि मैं अब सितारों का सफर कर सकता हूं और दुनिया के बारे में जान सकता हूं। जो भी इस खत को पढ़ रहे हैं, अगर आप मेरे लिए कुछ कर सकते हैं तो मुझे 7 महीने की फेलोशिप मिलना बाकी है, जो 1,75,000 रुपए है। कृपया ये कोशिश करें कि वह मेरे परिवार को मिल जाए। मुझे 40,000 रुपए के करीब राम जी को देना है। उसने कभी इन पैसों को मुझसे नहीं मांगा, मगर कृपा करके
ये पैसे उसे दे दिए जाएं। मेरी अंतिम यात्रा को शांतिपूर्ण और सहज रहने दें, ऐसा व्यवहार करें कि लगे जैसे मैं आया और चला गया। मेरे लिए आंसू न बहाएं, यह समझ लें कि जिंदा रहने की बजाय मैं मरने से खुश हूं। परछाइयों से सितारों तक गुमान ना, मुझे माफ कीजिएगा कि ऐसा करने के लिए मैं आपके कमरे का इस्तेमाल कर रहा हूं। ASA अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन परिवार के लिए माफ करना, मैं आपका आप सबको निराश कर रहा हूं। आपने मुझे बेहद प्यार किया, मैं उज्जवल भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहा हूं। आखिरी बार के लिए जय भीम। मैं औपचारिकता पूरी करना भूल गया, मेरी खुदकुशी के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है, किसी ने ऐसा करने के लिए मुझे उकसाया नहीं, न तो अपने शब्दों से और न ही अपने काम से। यह मेरा फैसला है और मैं अकेला व्यक्ति हूँ जो इस सब के लिए जिम्मेदार है। कृपया मेरे जाने के बाद इसके लिए मेरे मित्रों और शत्रुओं को परेशान न किया जाए।